नमस्कार, न्यूज क्लिक में आप लोगों का स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा बहुत खास कार्यक्रम इतिहास के पन्ने मेरी नजर से। मशहूर दिवंगत कार्टूनिस्ट आर के लक्ष्मण एक पुराने कार्टून को अभी हाल में टाइम्स ऑफ इंडिया ने रिप्रोड्यूस किया। कांग्रेस पार्टी में जो उथल पुथल चल रही है उसी के रिलेटेड एक रिपोर्ट के साथ इस कार्टून को पब्लिश किया। कार्टून में एक कमरे के बाहर कुछ नेता खड़े हुए हैं। उस कमरे में इट्स ऑब्वियस एक मीटिंग चल रही है। उनमें से एक नेता दूसरे की तरफ इशारा करके कहते हैं, ही हैज अ ब्रिलियंट सॉल्यूशन, हूएवर टेक्स ओवर मस्ट बी रीनेम्ड नेहरू और गांधी। कांग्रेस के बारे में जब भी चर्चा होती है तो वंशवाद या डायनेस्टिसिज्म का रेफरेंस जरूर होता है, नेहरू गांधी का नाम उछाला जाता है। इसका कारण भी है, 1978 से जब लास्ट कांग्रेस में स्प्लिट हुआ था उसके बाद के 42 वर्षों में से वन गांधी और द अदर हैज बीन द पार्टी प्रेसिडेंट फॉर 35 इयर्स, और 1998 के बाद से सोनिया गांधी या राहुल गांधी ही प्रेसिडेंट रहे हैं। इसी कारण से भारतीय जनता पार्टी ने खास तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लीडरशिप में इमरजेंस के बाद से कांग्रेस को कभी नहीं स्पेयर किया है, कोई मौका नहीं गवाया है कहने में कि कांग्रेस इज अ डायनेस्टिक पार्टी। रिडिक्यूल किया है, राहुल गांधी को नामदार कहा है और अपने आप को कामदार कहा है। आप लोगों को याद होगा 2014 का चुनावी कैंपेन, उस समय राहुल गांधी को शहजादा करके मॉक किया गया था। एक तीर दो निशाने, कांग्रेस को नीचा दिखाना और साथ ही राहुल गांधी को युवराज या फिर राजकुमार ना कहकर शहजादा बोलकर सबलिमिनली कांग्रेस का कम्युनल डिपिक्शन। बीजेपी का नॉनस्टॉप कैंपेन कांग्रेस डायनेस्टिक पार्टी है दो अहम बातों को गुमराह करती है। पहली बात, हिंदुस्तान में कांग्रेस एकमात्र पार्टी नहीं है जिसमें वंशवाद झलकता है। अगर हम उत्तर से जम्मू कश्मीर और दक्षिण में तमिलनाडु तक जाएं तो शायद ही कोई ऐसा स्टेट होगा जहां एक ना एक पार्टी रन ऑन डायनेस्टिक प्रिंसिपल हमको नहीं देखने को मिलेगा। नए नए रीजनल लीडर्स उभरते हैं, वो भी अपने पार्टीज को प्रिंसिपल्स छोड़ डायनेस्टिक प्रिंसिपल से सक्सेशन तैयार या तय करने लगते हैं। इसका मेन कारण इंटरनल ऑर्गेनाइजेशनल वीकनेस, लैक ऑफ आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट और इससे उत्पन्न पर्सनल विनेबिलिटी ऑफ कैंडिडेट्स पर ज्यादा एम्फेसिस दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात है, बीजेपी भी दूध की धुली हुई नहीं है। सेंट्रल मिनिस्ट्री को ही देखिए, कुछ मिनिस्टर्स ऐसे हैं जो पॉलिटिकल डायनास्ट्स हैं। पीयूष गोयल और अनुराग ठाकुर के बारे में तो आपने सुना ही होगा। स्पेसिफिक्स में जाने के पहले दूसरी अहम बात, हिंदुस्तान मूलतः नेटवर्क सोसाइटी है। कुछ भी हासिल करने के लिए या तो परिवार की जरूरत होती है या फिर कॉन्टैक्ट्स की। आपको अपने बच्चे को स्कूल में दाखिल करवाना है, कोई रिश्तेदार या कोई सोशल सर्कल में कॉन्टैक्ट ढूंढना जरूरी होता है। यही बात नौकरी ट्रांसफर करवाने की, बिजनेस डेवलप करने के लिए। हम सबको हर कदम में महसूस होता है, अगर हमारा कोई डिस्प्ले साइन नहीं है तो हमको कुछ
करवाना पड़ेगा, किसी से कहलवाना पड़ेगा। आजादी के लगभग 7.5 दशकों के बाद भी हमारे समाज में कुछ ही एक्टिविटीज ऐसे हैं जहां डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस फ्लरिश कर रहे हैं। इसी के साथ जुड़ा हुआ है एक और टिपिकली इंडियन कैरेक्टरिस्टिक, हमारे क्विड प्रो क्वो अरेंजमेंट का और उसमें विश्वास। मतलब अगर आपको मुझसे कुछ काम करवाना है तो मैं ऑटोमेटिकली आपसे कुछ काम एक्सपेक्ट कर सकता हूं। नॉर्वे के ओस्लो यूनिवर्सिटी की पॉलिटिकल साइंस प्रोफेसर फ्रांसेसा येंसे न्यूज, इंडिया में किंगशिप इन इंडियन पॉलिटिक्स, डायनेस्टीज, नेपोटिज्म एंड इमेजिन्ड फैमिलीज पर रिसर्च करने दिल्ली आई थी। एक राजनेता के पॉलिटिकल एडवाइजर ने उनकी मदद की उस नेता से मुलाकात करवाने में। मीटिंग खत्म हो गई और उसके बाद उस एडवाइजर ने स्ट्रेट पूछ लिया, सो डू यू थिंक यू कैन हेल्प मी टू गेट अ जॉब फॉर माई वाइफ इन द नॉर्वेजियन एम्बेसी। कनेक्शन, फैमिली, बिजनेस, सोशल या फिर मेहनत करके नेटवर्क कनेक्शन अगर ना हो आपके पास तो आप साइफर हैं। राहुल गांधी के इफेक्टिवनेस पर भले ही डाउट हो लोगों का, लेकिन वो कभी कभी बात बिल्कुल सटीक करते हैं। एक बार कहा था, इफ आई हैड नॉट कम फ्रॉम माई फैमिली आई वुडंट बी हियर। यू कैन एंटर द पॉलिटिकल सिस्टम ओनली थ्रू फैमिली, फ्रेंड्स और मनी। Without these, you cannot enter the system. It was easy for me to enter politics. This is a problem. I am the symptom of this problem. तो कितने problem अलग-अलग पार्टियों में हैं? ये problem cases कब से चले आ रहे हैं? नेहरू गांधी खानदान के अलावा और कितने political dynasties इंडिया में फ्लरिश कर रहे हैं? राहुल का रीडिंग दैट विदाउट फैमिली, फ्रेंड्स और मनी यू कैनॉट एंटर द सिस्टम सही भी है, अनफॉर्चुनेट भी। दुख की बात है, दुनिया के लार्जेस्ट डेमोक्रेसी होने के बावजूद डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस और सिस्टम्स का इस्तेमाल करके शायद ही कोई आगे बढ़ सकता है। कम्युनिस्ट पार्टीज को छोड़ दें, अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग नाम की कोई चीज ही नहीं है। मोदी को सेल्फ मेड नेता या इंसान कहा जाता है, गरीब खानदान, चाय वाला, कुछ सही, काफी कुछ मिथिकल। लेकिन क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक तरह से परिवार का रोल अदा नहीं करती है? हिंदुस्तान में पॉलिटिकल डायनेस्टीज पर रिसर्च काफी हुआ है। जिन नॉर्वेजियन पॉलिटिकल साइंटिस्ट का जिक्र मैंने थोड़ी देर पहले किया था, उनके अलावा मशहूर लेखक पैट्रिक फ्रेंच, सोशल साइंटिस्ट कंचन चंद्रा और फ्रेंच युवा स्कॉलर रोमा कार्लेवा हैं। कार्लेवा ने तो हाल ही में पीएचडी इस विषय पर खत्म की है। डायनेस्टीज एंड डेमोक्रेसी इन कंटेम्पररी इंडिया एंड एम्पेरिकल स्टडी 1952 to 2015। इन सब के शोध साबित करते हैं वंशवाद की प्रथा पहली लोकसभा से ही शुरू हो गई थी। उस वक्त 1952 के हाउस में उत्तर भारत के एमपीज में से 10% ऐसे थे जो प्रिंसली स्टेट के डिसेंडेंट्स थे। कहा जाता है डायनेस्टिक रूल को हिंदुस्तान से फॉर्मली 3 बार खदेड़ा गया, परंतु फिर भी ये प्रैक्टिस आज भी बरकरार है। पहला स्टेप
towards abolishment of dynasticism was with the accession of more than 550 princely states. Dusra kadam tha Hindustan ka declaration as a republic and ending even symbolic association or ties with the British crown. Teesra aur final step 1951 ka zamindari abolition. Iske bawajood har party mein ye system abhi bhi prevalent hai. Although this is most visible within the Congress. Alag alag researchers ne empirically prove kiya hai 2004 ke Lok Sabha mein 20% dynasts the. 2009 में जो लोकसभा चुन के आई उसमें 30% थे और 2014 में जो चुन के आए थे उनमें से 22% were dynastic. कार्लेवा ने मेरे साथ चर्चा करते हुए कहा था, presence of dynasts or the growth has not been linear and has been interrupted. 1977 और 1989 में डायनेस्ट का नंबर घटा था. इन रिसर्चर्स ने डायनेस्ट उनको माना है जिनके परिवार से कोई ना कोई उनके पहले पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर या फिर पार्टी ऑर्गेनाइजेशन के किसी भी पोस्ट पर इलेक्ट या नॉमिनेट हुए हो. 16th लोकसभा में जैसा मैंने आपको अभी बताया 22% डायनेस्टिक एमपीज थे. ध्यान देने वाली बात है कि इनमें से 44% बीजेपी के थे, यानी मेजॉरिटी से बस थोड़ा ही कम. 2019 के चुनाव के बाद 17th लोकसभा में फिर से डायनेस्टिक एमपीज का प्रेजेंस 30% पहुंच गया. यह डेटा अशोका यूनिवर्सिटी के त्रिवेदी सेंटर फॉर पॉलिटिकल डेटा और पेरिस स्थित सीईआरआई या फिर सीएपो के बीच कोलैबोरेटिव एफर्ट का नतीजा था. इस डेटा सेट के हिसाब से 17th लोकसभा में 162 डायनेस्टिक एमपीज हैं इस वक्त. इनमें से 46.3% यानी 75 of them are from the BJP. BJP के 303 का grand total Lok Sabha में इसमें से 24.75 are dynastic MPs. फिर भी BJP का दावा होता है, उनके नेता कहते हैं dynastic politics को उन्होंने खत्म कर दिया है और उसकी जगह परिश्रमवादी राजनीति इंट्रोड्यूस किया है. कुछ समय पहले बहुत नाटकीय एक एपिसोड में बीजेपी ने ग्वालियर राजघराने के थर्ड जेनरेशन डायनेस्ट ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपने पार्टी में कांग्रेस से लेकर इंडक्ट किया. उनको अब राज्यसभा का भी मेंबर बनवा दिया गया है. ज्योतिरादित्य के अलावा बीजेपी ने जून 2020 के इलेक्शंस में राज्यसभा के इलेक्शंस में 6 और डायनेस्ट्स के इलेक्शंस को इंश्योर करवाया है. रीसेंट इयर्स में जैसे जैसे डायनेस्टिक कैंडिडेट्स पर बीजेपी ने हीट एस्केलेट किया, काफी और स्कॉलर्स इस फिनोमिनन को स्टडी करना शुरू कर दिया. जब रोमा मुझसे अपने थीसिस के बारे पर चर्चा करने आए थे तब मैंने उनको पूछा था उनका उद्देश्य क्या है. The idea is, उन्होंने कॉफी पीते पीते बताया था, deflate the myth that an Illuminati like circle of dynasties ruling India by injecting in the debate a healthy dose of facts and complexity. वही साबित करना चाहते थे. Ideally, in a democracy, elections should be a level playing field. You are supposed to get elected because of your ideas, that they are the best, and not because
ऑफ योर ओन पेडिग्री। लेकिन जैसे जैसे उन्होंने शोध किया तो पाया भारत में प्रजातंत्र कभी आदर्श और नैतिक रूप से ईमानदार के लिए था ही नहीं। हिंदुस्तान में डायनेस्टिसिज्म के कॉन्टेक्स्ट में सबसे ज्यादा गाली नेहरू को पड़ती है, परंतु उन्होंने तो इंदिरा गांधी को अपने मिनिस्ट्री में कभी शामिल ही नहीं किया। सिर्फ एक साल के लिए 1959 में इंदिरा गांधी कांग्रेस प्रेसिडेंट इलेक्ट हुई थी। उस टेन्योर में भी उन्होंने सरकार पर प्रेशर डलवाया कि जो यूनाइटेड बॉम्बे स्टेट था उसको महाराष्ट्र और गुजरात के तौर पर बाइफकेट किया जाए। इसी वजह से 1961 में महाराष्ट्र और गुजरात दो अलग अलग स्टेट डिक्लेयर हो गए। नेहरू के मृत्यु के बाद जब लाल बहादुर शास्त्री ने इंदिरा गांधी को इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर बनाया था, तब उनको सबसे ज्यादा खुशी इस बात की थी कि उनको दिल्ली में रहने के लिए एक मकान मिल गया है। बाद में उन्होंने अपने बेटों को एक के बाद एक पॉलिटिक्स में इंट्रोड्यूस किया। ये बात उनका डेविएंस था ड्यू टू हर ओन पॉलिटिकल एंड पर्सनल इनसिक्योरिटी। आज नेहरू गांधी राजनीतिक खानदान दिखता तो जरूर है, बट दिस इज मियरली द टिप ऑफ द आइसबर्ग। जैसा आंकड़े बताते हैं, सीपीएम और सीपीआई को छोड़ हर पार्टी ने इस फिनोमिनन को परपेचुएट किया है। इलेक्शंस में वंशवाद के खिलाफ स्लोगन्स या भाषण देने से इंडियन डेमोक्रेसी शैल नॉट बिकम मोर रिप्रेजेंटेटिव एंड ट्रूली डेमोक्रेटिक। नमस्कार।